आप सबको स्वागत है। आज हम 11वें की शुरुआत में आ पहुंचे हैं। क्षमा पर परवाना बनना, परमपिता परमात्मा पर परवाना बनना, भगवान अल्लाह यहोवा पर निछावर होना, मतलब कि शरीर से तो नहीं सिर्फ, लेकिन मन बुद्धि संस्कार, पहले ये सूक्ष्म, उसके बाद में तन मन धन से निछावर होना। उनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही सिंपल होती है और बहुत ज़्यादा इच्छाएँ नहीं होती उनकी लाइफ में। वो सारी इच्छाएँ परमात्मा के प्रति होती हैं उनकी, कि परमात्मा का कार्य करें, परमात्मा की मदद करें इस नर्क को स्वर्ग बनाने में, इस धरती पर ही, क्योंकि इसी धरती पर एडम ईव थे, इसी धरती पर स्वर्ग हुआ करता था एक समय पहले। तो देखिए परमात्मा कहते क्या है, एक क्षमा के पीछे परवाने बन, परमात्मा हो गए क्षमा और हमें हो गए परवाने। फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भवा, बहुत ही कम आत्मा होती है जो कि सच्चे दिल से परमात्मा पर परवाने बनते हैं। तो हम क्या हैं, हम अपने आप को खुद ही जानें और जांचें। तो परमात्मा कहते हैं सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई, सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कहते हैं कि एक भगत थे जो कि परमात्मा को बहुत याद करते थे, उनका नाम भी था भगत की लिस्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करते, नंबर वन में, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर में बहुत सारे थे, हनुमान जी भी थे उसमें। लेकिन एक और लिस्ट थी भगवान के पास में जिसमें कि वो किस किस को याद करते हैं, उन्होंने वो लिखा था। तो आप कौन सी लिस्ट में आना चाहेंगे, इस दोनों चॉइसेस हमारे पास में। तो जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन उसके लिए, हाँ, उसके लिए अपने आप को श्रेष्ठ समझना बहुत जरूरी है। कलयुग की समझने से फिर हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते। हमें यह समझना है कि हम परमपिता परमात्मा की दिव्य आत्मा है। हमें परमात्मा ने धरती पर देवता बनाकर भेजा था, लेकिन हमने पुनर्जन्म लेते लेते अपनी हालत खराब कर दी, विक्रम करते करते, पाप करते करते, अनजाने में। इसलिए परमात्मा हमें फिर से याद दिलाने आते हैं कि फिर से वही बनो, फिर से सतयुगी देवता गुण अपने बाहर लाओ, उनको याद करो, उनको स्मृति में लाओ, उनको इमर्ज करो। जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है, जिन्होंने परमात्मा की सारी बातें मानी हैं, परमात्मा के अनुसार चलने की कोशिश करी है, और जिन्होंने रावण को, शैतान को, अंदर बैठे शैतान को नकारा है और अंदर की दिव्यता को हाँ किया है या उसको यस किया है, वो परमात्मा के निकट हो जाते हैं। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। चक्र कुछ होते हैं, हाँ चलो आज परमात्मा से मेडिटेशन कर लिए, चलो टाइम नहीं है, काम में लगे बिजी, दो तीन दिन बाद फिर याद आया, अरे मेडिटेशन करना भूल गए, भगवान की मुरली सुनना भूल गए, फिर चक्र लगाए, फिर गायब हो गए, फिर तीन चार दिन के बाद फिर गायब हो गए। ऐसे भी कुछ आत्मा होती हैं जो कि चक्र लगाती फिर गायब हो जाती है। फिदा होना अर्थात मर जाना, मतलब कि जो भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे मुरली, मुझे मेडिटेशन, मुझे परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा का ध्यान दिन भर करना है, क्योंकि वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी इस दुनिया में स्थिर नहीं है। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने हो ना, परमात्मा पूछते हैं हमसे, जलना ही बाप का बनना है। जलना मतलब क्या हुआ, कि परमात्मा की याद में तड़पना। इंसान क्या करता है, दूसरे आशिक माशुक की याद में जलता है, तड़पता है, कब मिलेंगे, कब देखेंगे दूसरे को, कब जाएंगे घूमने। परमात्मा कहते हैं तुम क्या मेरी याद में तड़पते हो, जलते हो इतना। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। किसी चीज़ को अगर आप जला देते हो, कागज को जलाओगे तो राग बन जाएगा, है ना। अगर आप सोने को अगर आप गर्म करोगे, जलाओगे, उसको उसके अंदर से खाद निकल जाएगी। उसी तरह से अपने आप को जलाना मतलब परमात्मा की याद में जलना, मतलब कि अपने अंदर की पाप की जो स्मृतियां हैं पिछले दिन की और इस जन्म की, उनको भस्म करते जाना, माफी मांगते मांगते परमात्मा से, दिल से ऊपर ऊपर से। ये सारी चीज़ें आपको परमपिता परमात्मा ब्रह्म कुमारी में सिखा रहे हैं, सिखाते आए हैं, 80+ ईयर्स हो चुके हैं बहुत सारे। आप सब आकर के इस ज्ञान को लीजिए, क्योंकि अभी भी टू लेट नहीं है, होने वाला है। इस ज्ञान को लीजिए और अपने आप को संपूर्ण बनाएं। ओम शांति इसके साथ।